हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लॉकडाउन के समय अपना टाइम जो है बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, और अगर आप ऑनलाइन मोबाइल सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग, मोबाइल हार्डवेयर रिपेयरिंग और मोबाइल ईएमएमसी कोर्स की रिपेयरिंग या फिर लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप एक डेमो क्लास ले सकते हैं। अगर आपको डेमो क्लास से अगर लगता है कि आप जो है सीख सकते हैं अच्छे तरीके से, तभी आप मेरा इंस्टीट्यूट जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम थोड़ी सी आपको जानकारी ये दे दें कि आप जो यूनिटी डोंगल आप जो लोग यूज करते हो या फिर आप यूनिटी प्रो जो है यूज करते हो, तो उसमें ईएमएमसी सपोर्ट टूल जो होता है, ईएमएमसी का जो हम लोग काम करते हैं, उसके लिए जो है उसका अलग से एक्टिवेशन हमको करना पड़ता है, तभी हम उस टूल को जो है यूज कर सकते हैं, यूएमटी ईएमएमसी टूल को। ओके, आप नॉर्मली डोंगल जब लगाओगे तो जितने भी सारे टूल हैं, जीएसएम है, क्यूसी फायर, एमटीके, हुवेई का है, सैमसंग का है, ये सारे के सारे टूल जो है आप यूएमटी डोंगल से या यूएमटी प्रो से यूज कर सकते हो, लेकिन ईएमएमसी का जो टूल है उसे आप जो है डायरेक्टली आप जो है यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें जो है उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, तभी आप उसको यूज कर सकते हो। तो एक्टिवेट तो बहुत सारे लोग जो है करा लेते हैं किसी और से या कहीं वेबसाइट से जाके, उसके बाद का प्रोसेस नहीं जानते कि किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे हम आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है बताने वाले हैं। चलिए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो हम लोग चलते हैं, तो हम आ गए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे है ये यूएमटी ईएमएमसी टूल। तो हम यूएमटी डोंगल जो लगाते हैं कंप्यूटर पर, अब आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है जब आपने इसको एक्टिवेट कराएंगे। एक्टिवेट कराने के लिए आप जो है इनकी जो साइड है यूएमटी सपोर्ट की, आप यहाँ पे आके डायरेक्ट अनलॉक वगैरह कई सारे किसी से भी एक्टिवेशन जो है आप ले सकते हो। ओके, और जिसका एक्टिवेशन नहीं हुआ है वो मुझसे संपर्क कर सकता है, हम उनका जो है ईएमएमसी जो है टूल जो है एक्टिवेट कर देंगे। तो मैंने यूएमटी डोंगल लगा दिया है और यहाँ पे क्या है ये टूल है ईएमसी का। अब आप इसको हम ओपन करते हैं, यस पे क्लिक किया, तो देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिखी है कि इन्फॉर्मेशन एक्टिवेशन इज रिक्वायर्ड टू यूज ईएमएमसी एडन, प्लीज बाय एक्टिवेशन एंड देन अपडेट कार्ड फर्मवेयर एंड काउंटर यूजिंग कार्ड फर्मवेयर अपडेट। ये प्रॉब्लम आती है एक्टिवेट होने के बाद, तो आपको क्या काम करना है, और जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब तक जो है आपका टूल जो है ओपन नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे करना ओके। अब आपको तो क्या करना है, यूएमटी का जो सपोर्ट एक्सेस टूल है इसको ओपन कर लेना है। ओके, इसके बाद आपको आना है यूएमटी फर्मवेयर अपडेटर, सबसे लास्ट में दिया गया, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कार्ड अपडेट यूएमटी ईएमएमसी, इस पे आपको क्लिक करना है। ओके, और यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे मैं थोड़ी अपने इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी देते हैं, तो मेरे अभी यहाँ पे जो है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है कोर्स जो है चालू, ईएमएमसी की प्रोग्रामिंग भी चालू है, जो कि इसमें हम यूफाई से पूरा ईएमसी की प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं पूरा कंप्लीट नॉलेज जो है आपको लोगों को जो है दे रहे हैं। तो अगर आप जो है आप सीखना चाहते हैं ऑनलाइन लॉकडाउन के समय में, तो आप जो है मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे डेमो क्लास भी आप हमसे ले सकते हैं कि किस तरीके से हम सिखाते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ आप यहाँ पे यहाँ से हमको सीख सकते हैं, तो फिर आप जो है मेरा इंस्टीट्यूट जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और चलिए हम फिर वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। ओके, हम लोकेशन पे क्लिक करके जो है इसका जो सेटअप है ये हम ओपन करते हैं। उसके पहले हम आपको चीजें यहाँ पे एक चीज और नोट कराते हैं, अगर आपको अपने यूएमटी डोंगल का जो कार्ड का नंबर नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पे नीचे देखिए कार्ड आईडी UMT 99021 इस तरह की यहाँ पे एक आईडी होगी, यही आपके जो है कार्ड जो है यूएमटी डोंगल जो सिम लगी होती है उसका नंबर होता है, इसी नंबर को है एक्टिवेट करना रहता है। ओके, तो क्लिक करते हैं लोकेशन पे। ओके, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है कार्ड अपडेट यूएमटी ईएमएमसी, इसको कट करके हम लोग बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से, और इसको यहाँ से डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लेते हैं।
ओके सिंपल हो गया। अब 7z पे जाएंगे और इसको हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे। ओके तो ये एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पे आ गया, डबल क्लिक करके ओपन किया, यहाँ पे एक सेटअप है, डबल क्लिक किया इसको, यस पे क्लिक किया और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अपडेट कार्ड फर्मवेयर। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपडेट कार्ड फर्मवेयर पे क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद हमको क्लिक करना है यहाँ पे अपडेट ईएमएमसी एक्टिवेशन, क्लिक कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे आपके जो है नोटिफिकेशन देखो आ गई, यहाँ पे एक्टिवेशन जो डन हो गया, यू कैन यूज कार्ड नाउ। ओके ठीक है, अब यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब हम ईएमएमसी के टूल को ओपन करते हैं, यस पे क्लिक करना है। और ये हमारा जो ईएमएमसी का है जो टूल जो है ओपन हो चुका है यहाँ पे वर्जन 0.2। ओके अब इनके जो टूल्स हैं इनमें किस तरीके से इनको हमें यूज करना है वो हम आगे की जो नेक्स्ट वीडियो है उनमें आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में आपको कोई भी अगर डाउट लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप जो है हमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमें आप जो है डेमो क्लास भी ले सकते हैं। आपसे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।